की हाल चाल दोस्तों, मेरा नाम है सानू। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद बैंक का कस्टमर थे तो दोस्तों आपको पता होगा कि इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक के साथ में मर्ज हो गया है। और दोस्तों, मर्ज होने के बाद इलाहाबाद बैंक का सभी कस्टमर का आईएफएससी कोड चेंज हो गया है। इंडियन बैंक की तरफ से एक न्यू आईएफएससी कोड मिला है। लेकिन दोस्तों, जो आपको न्यू आईएफएससी कोड मिला है इंडियन बैंक की तरफ से, अगर दोस्तों आप उसका यूज करके बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, जैसे दोस्तों अगर आप अपना न्यू आईएफएससी कोड को डालते हैं पेटीएम, गूगल पे या फिर दोस्तों कहीं और भी, तो दोस्तों वहां पर आपके साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है, देख सकते हैं। लिखा होता है दोस्तों, प्लीज एंटर अ वैलिड आईएफएससी कोड, देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको बताया जा रहा है कि आप जो है वैलिड आईएफएससी कोड डालिए, ये वाला आईएफएससी कोड गलत है जो दोस्तों आपको इंडियन बैंक की तरफ से मिला है न्यू, अगर आपका भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जो आपको न्यू आईएफएससी कोड मिला है इंडियन बैंक की तरफ से, ये दोस्तों आपको इनवैलिड बता रहा है। इसके बारे में दोस्तों मैंने जो है कस्टमर केयर से बात किया है। इसके बारे में दोस्तों कस्टमर केयर ने क्या बताया, सबसे पहले आप दोस्तों उसे सुन लीजिए। नमस्ते, इंडियन बैंक में आपका स्वागत है। मैं किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ? हेलो मैम, ये मुझे जानना है कि मेरा आईएफएससी कोड वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? सर, आप ओल्ड आईएफएससी कोड वर्क नहीं कर रहा है या न्यू आईएफएससी कोड वर्क नहीं कर रहा है? जैसे मैम, मेरा इलाहाबाद बैंक का अकाउंट है, तो ठीक है, मुझे जो न्यू आईएफएससी कोड मिला है ये वर्क नहीं कर रहा है। क्या दिखा रहा है आपको? इनवैलिड बता रहा है, मतलब रॉन्ग है। यूज करके आप ट्रांजैक्शन सही कर पा रहे हैं क्या? नहीं। हाँ सर, आईएफएससी कोड यूज करके ट्रांजैक्शन है ना नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज के कारण हो रहा है कि ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। आज है ना इवनिंग 7 o'clock के बाद ट्राई करके देखिए, जरूर आपको ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। क्योंकि मैम, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए, मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं सर, टेक्निकल इश्यूज के कारण है ना, थर्ड पार्टी एक्सेस ऐप नहीं काम कर रहा है, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक कस्टमर्स को, चंद कस्टमर्स को काम कर रहा है, चंद कस्टमर्स को काम नहीं कर रहा है। तो आप है ना इवनिंग 7 o'clock के बाद आप ट्राई करके देखिए, सही सारे एप्लीकेशन चालू हो जाएंगे, फिर आप है ना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आईएफएससी कोड इनवैलिड बता रहा है, इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा? हाँ सर, इनवैलिड इसलिए बता रहा है क्योंकि आईएफएससी कोड यूज करके ट्रांजेक्शन है ना कोई नहीं कर पा रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे नहीं है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं टेक्निकल इश्यूज के कारण, इंडियन बैंक के भी नहीं हो रहे हैं और इलाहाबाद बैंक के भी नहीं हो रहे हैं। तो आप है ना इवनिंग 7 o'clock के बाद ट्राई करके देखिए, जरूर आपको है ना एक्सेस मिल जाएगी, आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ओके मैम, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग कुछ भी पूछना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, नीचे में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।